दोस्तों लखनऊ की रोमांचक जीत के बाद पॉइंट टेबल में हो गए बड़े बदलाव, जहां ये दो टीम आईपीएल की रेस से हो गई बाहर। तो दोस्तों लखनऊ को हुआ बड़ा फायदा। जी हां दोस्तों, आईपीएल का 58वां मैच हैदराबाद और लखनऊ की टीम के बीच खेला गया था और इस मैच को लखनऊ ने 7 विकेटों से जीत कर एक बड़ी जीत दर्ज करी। और इस जीत के बाद पॉइंट टेबल में बड़े बदलाव हुए हैं, जहां 10वें नंबर पर दिल्ली की टीम है। दिल्ली ने 11 में से केवल 4 मैच जीते हैं और उनके 8 ही पॉइंट है और उनका आगे जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो 9वें नंबर पर हैदराबाद की टीम है। हैदराबाद ने 11 में से केवल 4 मैच जीते हैं और आज का मुकाबला वो लखनऊ से हारने के बाद लगभग पूरी तरह बाहर हो चुकी है, क्योंकि उनके भी केवल 8 ही पॉइंट है और वो अपने बचे हुए 3 मैच जीत भी जाती है तो तब भी 14 अंकों तक पहुंचेगी और ऐसे में 14 अंकों के साथ आगे जाना बिल्कुल मुश्किल है। तो 8वें नंबर पर पंजाब है। दोस्तों पंजाब ने 11 में से 5 जीते हैं, 6 हारे हैं और उनके 10 पॉइंट है। ऐसे में उन्हें बचे हुए तीनों के तीनों मैच जीतने पड़ेंगे, तब जाकर उनपे चांस होगा कि वो प्लेऑफ में पहुंचे। लेकिन दोस्तों उन्हें अच्छी रन रेट मेंटेन करनी पड़ेगी। तो दोस्तों 7वें नंबर पर कलकत्ता है। दोस्तों कलकत्ता ने 12 में से केवल 5 मैच जीते हैं और दोस्तों उनके 10 पॉइंट है, यानी कि दोस्तों वो अपने बचे हुए 2 मैच जीत भी जाती है तो तब भी उनके 14 पॉइंट होंगे और ऐसे में उनका आगे जाना भी मुश्किल है। तो दोस्तों 6वें नंबर पर बैंगलोर की टीम है। दोस्तों बैंगलोर ने 11 में से 5 जीते हैं, 6 हारे हैं और उनके 10 पॉइंट है। ऐसे में दोस्तों बैंगलोर के पास अभी 3 मैच बचे हैं और उन्हें तीनों के तीनों जीतने पड़ेंगे, तब जाकर वो प्लेऑफ में पहुंच सकती है। लेकिन उन्हें लखनऊ की हार की कामना करनी पड़ेगी और राजस्थान से अच्छी रन रेट मेंटेन करनी पड़ेगी, तब जाकर वो क्वालिफाई कर सकती है। तो दोस्तों 5वें नंबर पर राजस्थान की टीम है। दोस्तों राजस्थान की टीम 12 मैचों में 6 जीत के साथ 6 हार के साथ उनके 12 पॉइंट हैं और उन्हें अपने बचे हुए दोनों मैच जीतने पड़ेंगे, तब जाकर उन्हें पॉइंट टेबल में एक बड़ा फायदा होगा और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, जब लखनऊ की टीम अपना एक मैच हारे। और दोस्तों 4वें नंबर पर लखनऊ है। दोस्तों लखनऊ ने हैदराबाद पर बड़ी जीत दर्ज करने के बाद पॉइंट टेबल में उठापटक मचा दी है, जहां वो पहले 5वें नंबर से 4वें नंबर पर पहुंच गई है और वो 12 में से 6 में जीत के साथ और एक मैच ड्रॉ होने की वजह से उनके 13 पॉइंट हैं और ऐसे में बचे हुए अपने दोनों मैच वो जीत जाती है तो उनके 17 पॉइंट होंगे और वो ऐसे में आराम से क्वालिफाई करेंगी। ऐसे में उनके हाथ में अभी क्वालिफिकेशन बाकी है। तो दोस्तों 3रे नंबर पर मुंबई की टीम है। दोस्तों मुंबई ने 12 में से 7 जीते हैं, 5 हारे हैं और उनके 14 पॉइंट हैं और दोस्तों मुंबई की टीम अगर यहां से एक मुकाबला जीत जाती है तो उनके 16 पॉइंट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों उनको दोनों मैच जीतने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों राजस्थान की नेट रन रेट उनसे काफी बेहतर है और इस वजह से उन्हें दोनों के दोनों मैच जीतने पड़ेंगे। और दोस्तों 2रे नंबर पर चेन्नई की टीम है। दोस्तों चेन्नई के 12 में से 7 जीत के साथ 15 पॉइंट है। ऐसे में चेन्नई के पास 2 मैच बाकी हैं और वो अगर एक मैच भी जीत जाती है तो वो आराम से क्वालिफाई करेगी, क्योंकि उनके 17 पॉइंट हो जाएंगे। ऐसे में दोस्तों अपने बचे हुए दोनों मैच जीतना चाहेगी, ताकि उन्हें फाइनल में पहुंचने के लिए 2 मौके मिले। तो दोस्तों पहले नंबर पर गुजरात है। दोस्तों गुजरात ने 12 में से 8 मैच जीते हैं और उनके 16 पॉइंट हैं और दोस्तों गुजरात की टीम के पास भी एक बड़ा मौका होगा कि वो अपने दोनों के दोनों मैच जीते, ताकि वो पहले नंबर पर रह सके और उन्हें फाइनल में पहुंचने के लिए 2 मौके मिले। ऐसे में दोस्तों ये रहा आईपीएल का लेटेस्ट पॉइंट टेबल। और दोस्तों इस आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।